है, उससे लगता है कि आला अधिकारी आरोपी पुलिस वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और परिवार को इस बात के लिए समझा रहे हैं कि वो केस दर्ज ना करे। हालांकि एनडीटीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और इस बीच कल जब कारोबारी मनीष का शव गोरखपुर से कानपुर पहुंचा तो पुलिस को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। खबरों के मुताबिक पीड़ित परिवार आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा। मेरी बात इसमें रखनी थी, मेरा अनुरोध मान लीजिए। मैं आपको एक बड़े भाई का मूल जो है उस पर आपको विश्वास और हमें भी ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। नहीं अनुरोध होगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ। एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको कभी पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए। अगर मुझे बताया ना कि क्यों हुआ है, थोड़ी हम तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया और तब तक बाहर नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया। नाम हटा दीजिए, सिर्फ दो का नाम दीजिए। हमने कहा नहीं, तीन का नाम हमें सेंड कर दिया, जो वहाँ से हमें पता चला है रिकॉर्डिंग में है वो नाम, तो हम वो तीन नाम तो रखेंगे। बाकी जो तीन उनके साथ उनका अज्ञात नाम उनको भी पता चल गया था कि साथ में छह कौन गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं पता ना कि उन्होंने किया है नहीं, इसलिए आप छोड़ दीजिए परिवार है। बहुत रिक्वेस्ट करी उन्होंने अपनी पुलिस को बचाने की कोशिश करी, असलियत तो यही उन्होंने मेरे पति के इंसाफ के लिए कुछ नहीं किया। उन दोनों ने वहाँ पे जो दोनों हैं वीडियो में, मैं भी नाम नहीं बोल पा रही, उनका पदवा नहीं बता पा रही, क्योंकि मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन वो जो वीडियो में आप देख रहे हो जो परिवार जिनों के साथ बैठे थे वो दोनों लोग ने पुलिस का साथ दिया, हमारा नहीं दिया।